वहीं बिहार में हर साल गर्मियों में इंसेफेलाइटिस बच्चों पर काल बनकर टूटता है और इस साल अभी तक केवल मुजफ्फरपुर में मौत का आंकड़ा 23 तक पहुंच चुका है। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंसेफेलाइटिस से नहीं थम रहा मौत का सिलसिला। मुजफ्फरपुर में इंसेफेलाइटिस से पिछले एक हफ्ते में 18 बच्चों की मौत। आज 12 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया जिसमें 2 बच्चों की हुई मौत। विपक्ष ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। इंसेफेलाइटिस की बीमारी एक वायरस की वजह से होती है। मुजफ्फरपुर में इंसेफेलाइटिस से जनवरी से अब तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। बिहार के मुजफ्फरपुर से इंसेफेलाइटिस का कहर जारी है। आज 2 बच्चों की मौत हो गई। इन 2 बच्चों के साथ ही पिछले एक हफ्ते के अंदर इंसेफेलाइटिस से मरने वालों का आंकड़ा 18 पहुंच गया है, जबकि जनवरी से लेकर अब तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। बच्चों की मौत से जहां परिजन सदमे में हैं, तो प्रशासन आंकड़ों में हेरफेर करने में जुटा हुआ है। जापानी इंसेफेलाइटिस नाम की बीमारी से कई बच्चों की मृत्यु पूर्व की वर्षों में हुए। हम लोग लगातार सचेत थे इस विषय पे। इस बीमारी से कैसे बचें, इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो पूर्व के वर्षों में भी चलाए गए हैं। आज की तारीख में SKMCH में मुजफ्फरपुर में 5 बच्चे भर्ती हैं। मुजफ्फरपुर में स्थानीय स्तर पर जांच हुई है, वो निगेटिव रिपोर्ट आया है। तो उच्चतर संस्थान इसका पट्टा में RMRI है। उच्चतर संस्थान में जांच के लिए बच्चों के सैंपल भेजे गए हैं, 2 दिनों में उसकी रिपोर्ट आ जाएंगी। हिंदुओं के लिए नर्क बन चुके पाकिस्तान से अत्याचार की एक और खबर सामने आई है। पाकिस्तान के सिंध में एक और हिंदू लड़की का अपहरण कर बलात्कार किया गया। पाकिस्तान में ऑपरेशन बालाकोट के बाद करीब 1 दर्जन हिंदू लड़कियों को अपहरण कर उनके धर्म परिवर्तन करवाए जा चुके हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार, 13 साल की हिंदू बच्ची के साथ रेप। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अगवा कर हिंदू नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार। 7 जून को हिंदू बच्ची के साथ दिल दहला देने वाला अत्याचार हुआ। 2 लोगों पर शराब पिलाकर बच्ची के साथ रेप करने का आरोप। ऑपरेशन बालाकोट के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं पर क्रूरता और तेज हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा, रेप के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में हिंदू होना पाप तो पहले से था, लेकिन ऑपरेशन बालाकोट के बाद हिंदुओं पर क्रूरता और बढ़ गई है। पाकिस्तान में सिंध के टांडो मोहम्मद खान में 7 जून को हिंदू बच्ची के साथ दिल दहला देने वाला अत्याचार हुआ। 13 साल की बच्ची घर से सामान खरीदने निकली थी। रास्ते में कुछ गुंडों ने इसे अगवा किया और पीट पीट कर शराब पिलाने के बाद उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने लड़की के बयान के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। सिंध में ही ऑपरेशन बालाकोट के बाद कई हिंदू लड़कियों का अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा चुका है।